सवाई माधोपुर बोली के ग्राम वृंदावल में बहुत चर्चित लक्ष्मा देवी हत्याकांड का मुख्य आरोपी काल्या उर्फ राम निवास मोग्या निवासी मालपुरा टोंक बोली थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। 2014 में ग्राम वृंदावल में लक्ष्मा देवी के हाथ पैर और गर्दन काटकर शव खेतों में फेंक दिया गया था, जिसके बाद गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी बैसला सहित अन्य जन प्रतिनिधि और ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया था। थाना अधिकारी चंद्र प्रकाश चौधरी के मुताबिक गहने चोरने वाली मोंगिया गैंग द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। उक्त गिरोह द्वारा हाथ पैर काटकर गहने लूटने के कई मामले सामने आए हैं। चौधरी के मुताबिक मुख्य आरोपी काल्या उर्फ राम निवास मोगिया को प्रोटेक्शन वारंट पर टोंक से गिरफ्तार किया गया है। मामले में दो आरोपी अभी भी बोली थाना पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, जिन्हें दबिश देकर गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। बोली थाना पुलिस ने बताया कि आरोपी को आज पूछताछ कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। पैरों के कड़े निकालने के लिए बैल काट देते हैं, उस गैंग का काफ़ी सदस्य भी वांटे हैं, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए टोंक जेल से प्रोडक्शन वाले से एक मुजरिम को गिरफ्तार किया गया है, उससे इंट्रोडक्शन जारी, कुछ और वारदातें हैं उनकी भी तस्दीक की जा रही है। कानोता और सिद्धास इलाके में भी कई वारदातें हुई थी, उनकी भी तस्दीक की जा रही है। टोंक जिले की मलपुरा घाटी इलाके के 8-10 बदमाशी जो इस तरह की मोटरसाइकिल की वारदात करते हैं और इनसे इंट्रोगेट करके और उनको पेश किया। इस मुकदमे में दो मुलजिम अभी भी बाकी है, जिसमें एक तो अभी सूचना मिली है कि वो दोसा जेल में बंद है, तो उसको प्रोडक्शन वारंट भी लाया जाएगा। एक हत्या जा रहा है, अतिशय कुछ मुलजिम को गिरफ्तार किया जा रहा है। पुराने केसेज हैं, ये काफ़ी टाइम से लंबित हैं, उन पर पुलिस की ध्यान नहीं रहता है, कई बार पुराने केसेज को देख के गिरफ्तार की जाएगी।